अस्सलामुअलैकुम, मेलबॉक्स यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने पहले कमेंट पे जाने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, लेकिन उससे भी पहले मेरा एक सवाल है कि ऐ की हो रहा है आप लोगों ने इतनी मोटी मोटी स्वेटशर्ट्स पहनी है, देखा है? वो यहाँ तक है ना, नीचे तो कुछ नहीं है ना। नीचे क्या कच्चे पहन के? नहीं नहीं, वो जीन के अंदर जा रहा है, घुस रही है वो। जीन नहीं तो देखे, शो में कौन कंबल रजाइयां लेके बैठता है? तो सामने बैठे तो है, ठंड लग रही है तो फिर की करिए। कपड़े घर से इस तरह के पहन के आते हैं कि ठंड ना लगे? नहीं, वो लेके आए थे बहुत मोटे कपड़े, लेकिन ठंड ही थे। और आपको पता है कि हमें एसी चलाना होता है? ओ सर, कौन चलाउंदा इस मौसम दे विच एसी? ये कैमरों की वजह से चल रहा है, हमें नहीं जरूरत। कैमरे जो हैं ये हीट अप हो जाते हैं। कैमरा की इंज कर लग पैंदा वी, ओहो बहुत गर्मी हो गई। अल्लाह खैर आए थे, आप ही करता ही। अच्छा जी, इनकी तरफ से तो हो गया, अब आप के बताइए कि आज आप क्यों थोड़े थके थके? ये मेरी हंसी भी बस ऐसी निकल गई है। मैं नहीं, मुझे लगा ये उनके वाला हाहा है जो वो कहते हैं। वही ना, मैं हंसता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा से मखमूर सा हूँ मैं, नीम खाबीदगी का आलम है। खैर है, मैं बहुत स्लीपी हूँ, अंडर रेस्ट था और ऊपर से मैंने सेर होके खाना खा लिया। ये आपका जेट लैग चल रहा है, ये आपकी कोई लैग? खाना तो सभी खाते हैं। नहीं, जेट लैग के साथ साथ फिर मैंने खाना खाया और टिका के खाया। क्या खाया? बस खा लिया काफी। सर जेड़ा तुझे खाना खादा इस तो बाद एसी बंद होना बनता? भाई मेरी तरफ से तो 10 दफा बंद करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कैमरे को है। अच्छा, ऊपर से जुल्म उनके साथ किया है कि उनको एन उस जगह बिठा दिए जहां डायरेक्ट एसी पड़ता है, पूरा कमरा छोड़ के। ये जुल्म जान के कर देने सर। वो शेर क्या है उसी जगह वाला? वहां पे कैद किया ला के मुझको जालिम ने, जहाँ से साफ मेरा घर दिखाई देता है। अजय थके ही। वैसे सर बहुत लाजवाब शेर है। हाँ जी, बहुत शानदार। जहूर नजर, जहूर नजर बड़ा बाकमाल शायर। कहते हैं वो भी शायद रो पड़े वीरान कागज देखकर, मैंने उसको आखिरी खत में लिखा कुछ भी नहीं। वाह, क्या कहने, इस तरह के गरम गरम शेर सुनाओ ताकि इन्हों साड़ी कदर नहीं होनी। ये उदों कदर होनी जो इन्हों के खुश्क मेवा याद कित मिल खोए, इन्हों काजू चुक के कितने सैड पर रख के आवा, इन्हों कदर हो साड़ी। वो तो खा ही नहीं रहे अभी जो आए, वो तो खा रहे अभी कितने खाने से तो उत्थे नहीं खाते, अभी इतने आने खा लेने। मैंने आज खाई है थोड़ी सी बकौल तुम्हारे मूंगफली। ओहो, वो ताकतवर चीज़ नहीं होती सर? मूंगफली बड़ी ताकतवर होती है। काजू तो भी अगर मूंगफली इज़ वेरी गुड फॉर बोन्स, हड्डियों के लिए अच्छी है। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और काजू की बर्फी आई थी आज अफगानिस्तान से। अच्छा जी सर, काजू की बर्फी? हाँ जी। डॉक्टर साहब तुसी आगे रिकमेंड कर देंगे? नहीं 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 नहीं, काजू की बर्फी नहीं। मैंने कहा था उसे कि आप काजू की बहुत लेज है, आपके लिए थोड़ी सी। थोड़ी सी क्या होता है सर? मेरी फौरी तो थी, इतनी सी वो खत्म हो गई थी। अभी यहाँ पर होने के बाद आप यकीन कीजिए, आज कम से कम 100 मेहमान आया। तो 100 मेहमानों को कौन देता है काजू की बर्फी? नहीं तो जो जो कुछ पड़ा होता है सब लग जाता है। नहीं नहीं, ऐसी चीजें अलहदा रख लेते होते। अभी उसे पूछ लेते हैं कि थोड़ी सी उसने रखी होगी, तबरकन रखी होगी। मुझे बैल खड़काओ सर, हो सकता पई होगी थोड़ी बहुत, पड़ी होगी। किसने कहा थी 200 लोगों को सर्व कर दे? एक पीस होता ना, उसके पोरे किए होंगे। हाय हाय, क्या बात, एक एक करके आपको मिल जाएगा। मुझे भी तो दोबारा मंगवा के दें फुल, मतलब काबुल से। हाँ, अफगानिस्तान से। वीडियो गेम चाहे हो जाए बंदा एंड ते होता हूँ, दस सारे ने मार देता और आप खुद खुशी कर लेना ठा। खुद खुशी कर लेना, खुद खुशी। इतना दी ब्लॉक गेम च मरे ना तो बच्चे हाथा ना मारन लग जाते, मर भी और तुम मर भी। ओके जी, अब आते हैं आज के पहले सवाल, बल्कि पहले कमेंट की तरफ। जी सर, न्यूयॉर्क में आपके किसी कमेंट पर उर्दू प्रिंट मीडिया ने सदाए एहतजाज बुलंद की है। जी जी जी, तो इस पर आप क्या कहते हैं? मैं काफ़ी अफसोस ही मल सकता हूँ कि ये खालिसतन गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ है। मैंने रवा रवि में तذکرہ किया उन अखबारों का, और ये बिल्कुल इत्तफाक था कि एक दिन पहले मेरा एक दोस्त गिला कर रहा था कि यार एक साफ़ी है वो अखबार छापता है, कोई 150 भी नहीं होता उसका अखबार, और उसकी वजह से वो बड़े मसाइल का ख़ुद भी शिकार रहा है, किसी लिटिगेशन का शिकार भी रहा था वो, और हर वक्त जो है ना वो इश्तहार मांगता रहता है।
अब वो ए बी सी जो भी है मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता था, नामुनासिब सी बात थी। और वो कहाँ का है मैंने ये भी नहीं तذکرہ किया, लेकिन मैंने अपनी गुफ्तगू में कह दिया कि बास चीथड़े होते हैं जो आपसे इश्तहार मांगते हैं और आप मजबूरन तौन वकरन उन्हें दे देते हैं। उसकी वजह बेहतर नहीं है कि आप किसी ढंग के मीडिया, ख़ास तौर पर डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को आप स्पॉन्सर करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रिंट मीडिया। मेरा अपना ताल्लुक प्रिंट मीडिया से है, मैं प्रिंट मीडिया का प्रोडक्ट हूँ, हाउ कुड आई से दैट। लेकिन वो चीथड़े का लफ्ज़ जो है उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने सबके लिए कह दिया, विच वॉज नॉट द फैक्ट। मैं कह सकता ही नहीं था, उन्हें चूँकि ये महसूस हुआ इसलिए ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि उनकी दिलाज़ारी हुई। और अगर दिलाज़ारी हुई है तो भाईजान आई एम सॉरी, मुझे नदामत है कि बजाय आपके साथ गपशप करने के मैंने आपकी दिलाज़ारी कर दी। उस रिएक्शन में आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें चंद बुजुर्गान ने मेरे बारे में भी खूब लत्ते लिए मेरे, और चूँकि वो तपे हुए थे इसलिए उनका ये रिएक्शन बनता भी था। ताहम मैं अगले महीने ख़ुद हाज़िरी देना चाहता हूँ न्यूयॉर्क फिर से। अच्छा। और अगर ये मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं हाज़िर होकर एक एक पॉइंट की क्लैरिफिकेशन, वो जो मुझ पे इल्ज़ामात लगाए गए थे उसकी तो मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी कि अनकंडीशनल, किसी को मेरी बात बुरी लगी है अब मैं बताता हूँ मैंने उधर कही थी आपको नहीं कही थी, दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट। असल चीज़ है कि आपकी दिलाज़ारी हुई उस पर अनकंडीशनल माजरत है। लेकिन वो जो मेरे बारे में काफ़ी मामलात किए गए, एक एक का मैं चाहूँगा जवाब देना वहाँ जाकर। तो इत्तफाक से चूँकि मैं जा रहा हूँ, हूँ कितने अमरीका भी और कैनेडा भी, अगेन क्या मतलब ये बहुत, आई थिंक ये वापस आने के बाद अभी पहला शो हो रहा है तो फिर दोबारा की होगी। देखें एक तो डॉक्टर अमजद साकिब के नाम से वाकिफ है ना जी, तो मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं उनकी कॉज को हमेशा खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके लिए मैंने मोटिवेशन करनी है मुख्तलिफ जगहों पर जाकर, ठीक है? कुछ याद आया आपको? जी सर, अखुवत के लिए, अखुवत के लिए, अखुवत के बैनर तले कुछ तालीमी इदारे हैं उनके लिए कॉज है ना, कॉज बहुत बड़ी है। तो हो रहे, इस तो अलावा सर इस तो अलावा मैंने कनाडा में एक बड़ा अहम इवेंट है हॉकी के फरोग के लिए, कल हाँ, और हॉकी हीरोज को खराज तहसीन पेश करने के लिए जी जी, उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह चीफ गेस्ट के तौर पे जा रहा हूँ। ये वारदात कितने है जी? यार ये बड़ा इवेंट है। नहीं सर, ये असी है हम। नहीं तुसी नहीं है गया। नहीं तो फिर वारदात ही हुई ना। हो सकता तुम इसमें हो। अच्छा जी, मेरे बगैर नहीं तू जा सकता? क्यों, तू मेरा पासपोर्ट तू मेरा जवादुल सफर? आए हाय, जवाजुल जवादुल सफर तो नहीं कह रहे तुम? नहीं, जवाजुल सफर, जवाजुल सफर, वाह वाह। अजय तू गया नहीं उन्होंने नाल ते उन्होंने बोली बोलनी शुरू करती है तो जवादुल चपन ते टपन। ओ जवादुल नहीं, जवाजुल, जवाज, जवाजुल सर। तुम्हारे ट्रिप का जवाज की है? मैं दसिया ने इंदा जवाज दो तीन इवेंट्स है ते मैं क्यों नहीं है, क्यों जा रहा है? पता नहीं उसका भी वीजा लगता है कि नहीं। वीजा लग गया तो चार पांच लोग जो हैं उनकी वहाँ पर डिमांड थी, कहा गया था जी इवेंट्स करने हैं प्रवासी वालों ने। अच्छा, प्रवासी एक बड़ा उम्दा इदारा है। ते ए एज हॉकी जा रहे हैं उथे? ना नहीं नहीं, प्रवासी का मीडिया, प्रवासी मीडिया का इससे अच्छा, कोई ताल्लुक नहीं। जी 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 जी, प्रवासी मीडिया इवेंट्स करवाता है जिसने हमारा पिछले साल न्यू ईयर पे बहुत जबरदस्त इवेंट करवाया था। प्रवासी का मतलब सर? परदेसी, ये ईस्ट पंजाब का एक इदारा है जो कनाडा बेस्ड है। अच्छा जी, तो वहाँ पर अकरम उदास, नासिर चुनियोटी, राशिद कमाल, वसीम पुन्नू, डॉक्टर रूबा, मतलब ये मुझे नाम मिले हैं कि इन लोगों के नाम। ओ सर, उन्होंने मेरा पता नहीं होना, उन्होंने दसो, पता नहीं अन्ने है गए ने अब तो नहीं बुलाएंगे तुम्हें? नहीं नहीं, उन्होंने दसो के मैं भी बड़ा एक्टर है मैं। नहीं, आप अगर मैंने बुलाना होता तो आप इससे पहले थे मेरे नजदीक। यानी आप नहीं बुला रहे तुसी? वो बुला रहे हैं भाई, प्रवासी वाले। वो कौन होते हैं प्रवासी वाले? ये तो आपको राशिद कमाल साहब वापस आके बताएंगे कि वो कौन होते हैं। जाएगा तो मैं वापस आन के दसेगा ना, क्योंकि ये लग क्यों नहीं मैं जा सकता। अच्छा जी, वो बात बीच में रह गई, क्या भाड़ पड़ना शुरू हो गया वहां पे। एक साहब ने ये भी इल्जाम लगाया कि आफ्ताब इकबाल, जिस आफ्ताब इकबाल को हम जानते हैं, वो तो सिवाय इसके कि चंद भांडों को लेके बैठ जाता है। एंड ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ दोस भांड्स। ओए, तो मैं गुजारिश करूंगा उनकी खिदमत में
कि अगर मुझे इनविटेशन मिलती है तो मैं उस इवेंट में जाके ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया? जी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो लोगों ने फिर कैथारसिस तो करना था ना सर, तुसी ओदा मुंह ना लगना, मेनू लेके जाओ, मैं उस बंदे नहीं मुंह लगन वाली बात नहीं। अच्छा, वो इस चीज से घबराता वो है जिसके अंदर गिल्ट हो। और एक चीज जो सरीहन गलत फहमी की बिना पर हुई, अब उसमें मैं क्या अपने आप को कोसता रहूं या हालात को, क्यों सियाह को सबाक से हट के एक फिक्रा सरजद होना होता है, चाहे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, चाहे कुछ भी हो, वो होना होता है। ये होनी हीले तलाश करती है। बल्कि इसी बहाने मुझे बहुत सो का पता चला कि ये वहाँ के प्रिंट मीडिया के स्टालवर्ड्स हैं। आई वुड लव टू मीट देम अगेन इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर, उसे जाके प्यार मोहब्बत करोगे ना उनके साथ? नहीं, मैं बातचीत करूँगा ना, प्यार मोहब्बत नहीं, वन ऑन वन बात करूँगा कि भाई तुमने जो ये समझा था ये भी गलत है, ये जो कहा था ये भी गलत है। ये समझाऊंदा ही इतना अगले नु माननी पैंदी। और सर जो मेन इल्जाम लगाया गया वो प्राइमा फेशाई ठीक है, क्योंकि मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया, चीथड़े का मुझे नहीं कहना चाहिए था। चाहे वो जिसका मैं तस्करा कर रहा था वो 100% चीथड़ा है, उसका भी तस्करा इस तरह नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल आई वाज अ गेस्ट देयर, तो मुझे थोड़ा सा, हालांकि मैं अपनी तरफ से बहुत डिसेंट बन के बैठा हुआ था वहां पे पूरे पंडाल में, आई वाज द मोस्ट डिसेंट पर्सन। और मैं बड़ा हैरान भी हो रहा था कि यार मैं ऐसा हूं नहीं। लेकिन फिर कैसे पता चलेगा कि वो आफताब इकबाल साहब हैं? Everything goes so smoothly. तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी ने बताया कि यार वो तुम्हारे बारे में ये कुछ कहा जा रहा है। मैं बड़ी देर सोचता रहा कि वहां मुझसे सरजद क्या हुआ है, ऐसी क्या बात हुई है जो। लेकिन कुछ और भी वजूहात थी, मतलब मैंने पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं की बावजूद, बाज लोग बड़े फराख दिल थे, उनको बहुत जोर से पॉलिटिक्स आई हुई थी, लेकिन मेरे कहने पर भी, और मैंने ये फिक्रा भी कह दिया कि आपको सबसे ज़्यादा सियासत आई हुई है, फ्रंट पे बैठा हुआ था एक नौजवान, तो उसने खंदा पेशानी से सुना, स्माइल दी, हंसा वो, क्योंकि फिर एक साहब ने कहा जी हम तो अपना कैथारसिस करना चाहते हैं, खुल के सियासत पे बात करें। सर ये तो हमने जब हम समर ऑफ 22 में गए थे हमने तब भी अवॉइड किया था। जी जी, वो जो हमारा ब्रैम्पटन में बहुत तैयारे गैर में अवॉइड ही करना चाहिए, इसमें कोई भरज नहीं कि वहाँ जाकर आप पंजाबी च कहते हैं व्याज बी द रौला, कि करने आप कुछ और गए हैं और वहाँ जाते हैं तो एक नया कट्टा खुल जाता है, तो ये दिस नॉट गुड। मेरी मान ला इन्हों की खिज चल रही है उ ना जाई तो तेनों भी पै तो खिज चल रही तो मैं जा रहा उ कैसा बुजदल है। भांडों वाली बात की ना वाकई खिज चल रही है, मैं जा रहा मेरी खैर है तू ना जाए। जिस वजह तो गल वधी है ना चेथड़े दे करके, उन्होंने 25 डेफिनेशन ओदियां दस देने जी चेथड़े का लफ्ज़। अच्छा चेथड़ा नहीं होता, चीथड़ा होता है। चीथड़ा थोड़ा तुसी जरा ब्रीक कर दिता, लेकिन मैं थोड़ा मोटा दसया चेथड़ा। सर जिहड़ा मलमल दा हुंदा वह चीथड़ा हुंदा। अच्छा जी, जिहड़ा चमड़े दा बणिया हुंदा वह हुंदा चेथड़ा, जिहड़ा कि एदी खल दा बणिया हुंदा। अच्छा खल नहीं का खल का खल। जी सर अगला सवाल। अगला सवाल केड़ा, मैं नहीं जान डया ते अगला सवाल केड़ा। मैं कदों भी मैं जहाज दे उते चढ़ गया वा तेनों मैं चढ़न देना ही नहीं बेटा। तुम्हारा जवाजुल सफर जो है रजाई में बैठा है। बैठा इतने ही बैठा वा, तू तो मैं इतों ही नहीं बाहर जान देना मैं लगता। हाँ दुख सुख तो मेरे ना ही फोलदा, तो हूँ प्रॉब्लम होगा वीजे का, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस में शायद तुम लोगों का वीजा ना लग सके। शुक्र है मेरे मालिक। हेलो देखो ना लेकिन सड़ेगा तू, लेकिन मे में ये जरूर जाएगा। हो गया जी फिल्म करेगा वो। ओके ओके, ए बड़ी वड्डी फिल्म है, तुसी भी ते है, मैंनू सब पता चल गया। तुम भी करो। अच्छा यार फहीम, फिल्म में जो नाम मैंने तुम्हें दिए थे ना उसमें से हामिद का नाम काट। नहीं नहीं सर, मैं नहीं, तुमने मुझे फिल्म कहा है। मैं बदकिस्मत था सर, मेरे मुंह निकल गया। तुमने कहती गल वीरे ओ जेडी गल कहंदे ने उते पूरा नहीं। तू चुप रह, उना दी मेरी गल है। हां ठीक है कह दिया। ओके No. उनने कह दिया सर, मेरे मुंह निकल गया। तुम पार्ट टू में चले जाना, हमने तीन पार्ट्स बनाने इसके। ओ, मैं पहले जी आना टू च, पता नहीं मेनू तुसी जानदे ही मरवा देना है। मैं पहले जी आना है। अच्छा सर एक सीरियस बात करनी है, तो उसे बाहर जा करिए। हाँ जी यार उसे करने दो, बोले जी। जानी पर जो इल्जाम लगा उसके बारे में आप, सजाद जानी पर जो अबीरा ने, हैव यू सीन दैट? अबीरा उसकी एक्स ने इल्जाम लगाया है, उसकी साबिक बीवी ने इल्जाम लगाया है, बहुत सारे संगीन इल्ज़ाम लगाए। जब तक मैं सजाद जानी का वर्जन नहीं देख लेता ना, इसके ऊपर कमेंट मैं नहीं करूँगा। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर यकीन करने को मेरा दिल नहीं चाहता जी। मैं अबीरा के साथ भी काम कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे उसने काम किया है, और
मैं जानी को भी जानता हूँ, कुछ चीज़ें दुरुस्त भी हो सकती हैं। लाइफ में लोग आते हैं मुसाफिरों की तरह, ट्रेन में बैठते हैं, फिर जिसका दिल चाहता है वो किसी और स्टेशन पे उतर जाता है या उतार दिया जाता है जी। तो ये आना जाना लगा रहता है ज़िंदगी में, शादी तलाक ब्याह ये लाइफ का रूटीन का हिस्सा है। लेकिन जो इल्ज़ामात उसने लगाए हैं ना, मुझे बज़ाहिर जानी ऐसा लगता नहीं है। जानी एक बड़ा ही ख़तरनाक कमीना छटा हुआ बदमाश गुंडा और अय्याश, ये मुझे बज़ाहिर नहीं लगता, क्योंकि मैं उसकी सोबत में कुछ दिन दो चार दिन तो रहा हूँ, वो जितनी देर यहाँ पे रहा मुझे ऐसा बंदा वो लगा नहीं। अभी उसका वर्जन आ ले फिर उसको एनालाइज़ करेंगे, वो भी अगर ज़रूरत महसूस हुई तो। अव्वल तो मैं इसे भी मियाँ बीवी का झगड़ा करार देता हूँ, भले से वो साबिक मियाँ बीवी हों, इसको मीडिया की जीनत बनना ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली और कोई बईद नहीं कि एक नया सिलसिला शुरू हो जाए, कोई और भी मी टू वाला मामला जो है ना जी। क्योंकि मी टू इसी सिचुएशन की पैदावार है जी। तो हमदर्दी अगर देखा जाएगा तो उमूमी लेवल एंटी सजाद जानी होगा, क्योंकि ही इज़ सक्सेसफुल, ही इज़ पावरफुल, दूसरों की नस्बत वो तगड़ा है, दूसरा तो बज़ाहिर बेनवा है। लेकिन वो बेनवा क्यों हुआ, हालात क्या थे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। या जानी इसका वर्जन जब देगा तो उस पर बात अगर करनी मकसूद हुई तो हम करेंगे। तो इसलिए फ़िलहाल इसको ठप ही रहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। सर मैंने सुना है कि आप कोई आउटडोर इवेंट कर रहे हैं। हाँ जी, हम 14 तारीख को अल्लाह के फजल से एक खूबसूरत क्यूट सा छोटा सा स्मार्ट सा इवेंट करें। ये मौसम ऐसा है ना, आउटडोर हम कर सकते हैं। तो हम एक अहम ऐलान भी करने जा रहे हैं उस दिन। अहम ऐलान? हाँ। ख्वातीन हज़रात, मेरा हाल ऐलान यही होना है हज़रात, लाहौर और उसके इर्दो गवाह में इर्दो गवाह पता क्यों इर्द गिर्द को कहते हैं? इर्दो गवाह में गिर्दो नवा यही ऐलान होना है लाहौर और उसके गिर्दो नवा में। आया बोल गए यार, बस ये ब्लूपर देना था उसने, ये ब्लूपर छोड़ते हैं दिन में दो तीन ना। नहीं सर वैसे है कि ये जो अहम ऐलान है जी जी, हम एक नया शो लॉन्च करने जा रहे हैं। पुराना थोड़ा शुरू नहीं होता तो हूँ नया शो केड़ा? पुराने का भी सुन लें कि जो खबरहार है जी हाँ, वो इंशाल्लाह 6 दिन के अंदर अंदर स्टूडियो की चाबी हमारे हाथ में हो। सर मैं तो फिर कहती हूँ प्लीज नंबर ऑफ डेज या डेट्स मत दीजिए। स्टूडियो की चाबी हमारे हाथ में, मैंने ये नहीं कहा कि हम शो करने जा रहे हैं। तो अड्डा की है सर, तुसी भावे बंद स्टूडियो की चाबी सानू दे दो। अच्छा जी, तो ये भी होगा इंशाल्लाह और वो भी होगा। सर अहम ऐलान में जो नया शो आ रहा है उसके बारे में आप तभी बताएंगे या अभी भी कुछ? नहीं अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि ये ट्वाइस अ वीक होगा और अच्छा शो होगा, खूबसूरत शो यकीनन। और इसमें होगा क्या, हमने शो का नाम रिवील करना है ना उसमें। ओके, वो हफ्ते में 4 दिन है खबरहार जी, ये हफ्ते में दो दिन। तो सर ये करना किधर है? ये है ब्यूटी मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ये है आउटडोर्स तो है ही, ये यॉट पे होगा। सर लिटरली हम आज ही बात कर रहे थे, मैं कहीं किसी से आज मिली तो वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इट कि एक आउटडोर शो किसी कैफे के किसी कैंटीन में बैठ के जनरली इस टॉपिक पर करना चाहिए, ये लिटरली आज की थॉट थी हमारी। एक और इवेंट आ गया, वो क्या आपने बात की है तो मुझे याद आया, फहीम साहब 25th को ऑफ दिस मंथ, अंजुम सईद भाई याद है जी, जिनसे हमने बहुत खाना खाया था फिर हमसे शो नहीं हो पाया। सैक्रामेंटो वाले जी, वो जब भी शो शुरू होने लगता खाना लेके आ जाते हैं या हमें खाने पे ले जाते हैं, वो फिर हमें खाने पे ले जाऊँ हैं। और ये बारबेक्यू टुनाइट मेरा ख्याल है जुमेरा बीच के आसपास है कहीं, लाल किला के ऑपोजिट जी, वहीं पे जुमेरा में। तो वी आर बुक्ड क्योंकि उन्होंने वहीं से ऑर्डर भेजा है कि आप सब लोग मौजूद होंगे, आपकी पूरी टीम, हमारा टेक्नीशियंस, मैं भी हामिद का भी नाम हो उसमें। ये सर अमरीकियन की मेरे ना कोई दुश्मनी है? नहीं सर ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं तुझे मेवी विच पाया है? नहीं नहीं मेवी मेवी सर ये याउट की होती है? याउट याउट एक छोटा सा बहरी जहाज होता है। अच्छा जी, आपको लेके खुले समंदर में जाएंगे। अच्छा जी, और लहरें होंगी
ਪਹਾੜ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੀ ਬੜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਨਵਾਈਟਡ ਉਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹਮਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਹੋਗੀ ਚੰਦ ਸਪਾਂਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜੈਸੇ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਥਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੂਗੂ ਥਾ ਨਾ ਗੂਗੂ ਵਾਸ ਅ ਬਿਗ ਯਾਟ ਔਰ ਹਮਨੇ ਪੂਰੀ ਓਸ਼ਨ ਸਫਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਚ ਬਿਗਰ ਯਾਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਗੀ ਇਸਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸਮੇ ਮਿਲੇਗਾ ਓ ਇਸਮੇ ਸਨਸੈਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸਮੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰ ਕੀ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਫਿਕਰਾ ਸੀ ਬਸ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸਮੇ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਹੋਗਾ ਔਰ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਹੋਗਾ ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਕਾਟਾ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਬਾਤ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਗਾ ਸਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਯਾਰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਗਾ ਚਾਏ ਸ਼ਾਏ ਚਾਏ ਸ਼ਾਏ ਚਾਏ ਸ਼ਾਏ ਅਜਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਉਨਕੀ ਚਾਏ ਚਾਏ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਉਨਕੀ ਚਾਏ ਸ਼ਾਏ ਉਨਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਚਾਏ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪਨੇ ਗਈ ਅਭੀ ਤੱਕ ਚਾਏ ਸ਼ਾਏ ਓ ਓ ਆਪਕਾ ਕਭੀ ਮੂਡ ਹੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਕੋ ਨਿਹਾਇਤ ਲਾਜਵਾਬ ਸਮੋਸਾ ਖਾਣੇ ਕੋ ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਸਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੋਸਾ ਖਾਏ ਮਤਲਬ ਸਮੋਸੇ ਨਾਲ ਰਜਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀਵੇ ਤਗੜੀ ਸਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮੋਸਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਤਰਨਮ ਤਰਨਮ ਸਰ ਕੀ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਤਹਿਤੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਖਾਲੀ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਰ ਤਹਿਤੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਕੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਸਤਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗਰਾ ਫਾਲ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨੈਗਰਾ ਫਾਲ ਨੈਗਰਾ ਫਾਲ ਸਭ ਉਹ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਥੀ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਪੂਰਾ ਚੜਾ ਹੁਆ ਥਾ ਨੈਗਰਾ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਹੁਆ ਥਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ इसी तरह 3 जनवरी को पुन्नू ओए होए बहुत बुरा हाल हुआ था उसका तौबा मेरा ख्याल उसे भी नहीं ले जाना चाहिए वो सर्दी से बहुत भागता और आपको पता है जनवरी फरवरी ज्यादा ठंडा होता है दिसंबर से बहुत ठंडा अब भी इन लोगों से दिसंबर नहीं बर्दाश्त हुआ था तो जनवरी फरवरी इज एक्सट्रीम तुसी सर मैं लेके जाओ मैं ठंड कुछ नहीं कह यकीन करो ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਿਚਾ ਦਾ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਲਈ ਰੱਖ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਵੇਲ ਲੱਛੀ ਵਾਲਾ ਵੇਲ ਲੱਛੀ ਮਾਡਰਨ ਵੇਲ ਉਹ ਵੇਲ ਲੱਛੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇਲ ਲੱਛੀ ਓਏ ਹੋਏ ਵੈਸੇ ਲੱਛੀ ਪਤਾ ਆਪਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਲੱਛੀਆਂ लच्छियां जो पैरों में डालते हैं ये ओह जो पाजेब होती है ना व्हाट इज लच्छा देन लच्छा और चीज है लच्छी और चीज है अच्छा ये पाजेब को लच्छी कहते हैं मेरे पैरों दी लच्छी लगी सजना नु लच्छी गाना भी हैगा पंजाबी और लच्छी बड़ी मशहूर इंडियन फिल्म है बड़ी जबरदस्त पंजाबी फिल्म हर गल दा तो जवाब आंदा है ना एक गाना भी हैगा और इस तरह दा हां असी कुड़ियां शहर दियां दुबई आईयां ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਛੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਰਗਿਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ